आईपीएल 2.5 महीने का होता है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्पिटेटिव लीग है, जो हकीकत बात है। क्यों? उसका रीजन ये कि बजट इतना ज्यादा है, दुनिया के हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है मैंने आईपीएल खेलनी है, लेकिन आईपीएल का मुकाबला किसी दूसरी लीग से नहीं है, अपने आप से ही है। ठीक है, पूरन टाइप के बासित भाई, आप इस पे क्या सोचते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे हमको कुछ ना कुछ इसका हल निकालना है। बहुत अच्छी बात करी है शाहिद भाई, और इन दी एंड जो बात करिए ना, आप पैसा दे, बोलते ना प्लेयर नहीं आते, बड़े नाम नहीं आते, आप पैसा दे सब आएंगे। ठीक है, आप में इतनी पावर तो कि आप पैसा दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बड़ा अच्छा मौका है कि उनको जो है ऑक्शन जब होंगे, ड्राफ्ट जब सिस्टम होगा तो उसमें आप उनको ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखें पैसे की हमारे पास बहुत कमी है। हम पैसा डालेंगे, पैसा देंगे प्लेयर्स को तो ज़रूर आएंगे। तक फॉरेन प्लेयर्स का ताल्लुक है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रेंचाइज की सैलरी कैप बढ़ानी पड़ेगी। आपने 113% आपका लाइव स्ट्रीमिंग में इंक्रीज हुआ है, 45% रेवेन्यू आपका ब्रॉडकास्ट में इंक्रीज हुआ है, 41% आपका इंटरनेशनल रेवेन्यू में बढ़ा है। वो पैसे आप कम से कम आधे पैसे अगर आप फ्रेंचाइज को दे देंगे तो वो डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। हमने पीएसएल को आईपीएल की टक्कर का बनाना है। ओ भाई, आईपीएल का क्यों पीछा करना है, वो छोड़ दो यार, तुम हमारी औकात से बाहर है। वो हमारी अगर औकात में होती तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स जाकर आईपीएल में खेल रहे होते, हमें पता चलता कि भाई बाकी आईपीएल को जो है वो हम टक्कर दे सकते हैं। अपना दिमाग होश लगाओ, मिचेल स्टार्क को तकरीबन पाकिस्तानी 80 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो 80 करोड़ रुपए, और हमारे यहाँ 80 करोड़ में 4 PSL के सीजन हो सकते हैं, और हमें मुकाबला किससे करना है, आईपीएल से। इस टाइम जो पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन करते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहती है। आईपीएल में अगर 1000 छक्के लग गए, ये भी पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, वो भाई 1000 छक्के लगने से, मारने से लगते हैं, खुद ब खुद 1000 छक्के नहीं लग जाते। अगर आपकी पीएसएल के पूरे एडिशन में 387 छक्के लगे हैं तो क्या मतलब है कि वहां पे आईपीएल में सिर्फ 500 लगते, वो भाई उन्होंने क्रिकेट बढ़ा दी है। अब हमारे पाकिस्तान के इतने प्लेयर की हैसियत नहीं है कि वो आईपीएल में जाकर खेल सके, और हम यहाँ पर पीएसएल को एक पाकिस्तान लीग, पाकिस्तान शेमफुल, पाकिस्तान फटा छलवार लीग, ये हम टक्कर कर रहे हैं कि हमारी जो टक्कर है वो होगी किनके साथ, माशाल्लाह से आईपीएल के साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि आईपीएल वर्ल्ड के अंदर कितना ज्यादा फेमस और पॉपुलर हो चुका है और कितना ज्यादा पैसा कमा के भारत के अंदर देता है। और दोस्तों इस बार आईपीएल में दोस्तों कितने सारे रिकॉर्डों को तोड़ा जा रहा है। जहां पहले कभी 250 रन मारना मुश्किल हुआ करता था, यहां दोस्तों हर अब 2-3 मैचों के बाद 250 रन आराम से लग जाते हैं। और दोस्तों हैदराबाद तो इस बार कुछ अलग मूड में है। अभी दोस्तों पिछले मैच में जब लखनऊ और हैदराबाद के मैच था तो दोस्तों हैदराबाद ने सिर्फ 9.4 ओवर के अंदर अंदर 168 रन चेस कर लिया गया था, जो कि कितनी ज़्यादा फास्ट चेजिंग में से एक आती है, वो भी बिना किसी विकेट के। और दोस्तों इस आईपीएल का मुकाबला दोस्तों पीएसएल के अंदर वो पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि पीएसएल के अंदर दोस्तों बजट बढ़ाया जाए और भारतीय खिलाड़ियों को लिया जाए और विदेशी खिलाड़ियों को भी लिया जाए। पर दोस्तों जितने में हमारा स्टॉक खरीदा गया है एक फ्रेंचाइज के अंदर दोस्तों, उतने में तो पता नहीं ना जाने कितने पीएसएल हो जाएंगे, और इनको लगता है कि ये इंडियन क्रिकेटर खरीद पाएंगे और विदेशी बढ़िया खिलाड़ी खरीद पाएंगे। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बजट तो कभी बढ़ने से रहा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा है नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सके अपने क्रिकेट के ऊपर। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, वहाँ पे स्पॉन्सर हैं आपके, कमर्शियल्स मिलते होंगे, आपका रैन सैन बड़ा ज़बरदस्त, मतलब यानी जो ओवरसीज प्लेयर हैं उनका जो इंजॉयमेंट के जो तरीक़ेकार हैं वो सब मिलते होंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं है। और जाहिर बात है पीएसएल में उन प्लेयर्स के ऊपर बड़ी नज़र होगी जो आपने देखा होगा कि आईपीएल में मैचेस ही नहीं खिलाए, बहुत कम मैचेस खिलाए, पूरा आईपीएल जो उनको डगआउट में बिठाई रखा। हो सकता है वो प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश करें, या उन वो कहें जी हम जो नेक्स्ट ईयर नहीं खेलते, लेकिन मैं इसके भी ये भी चीज़ मुझे समझ नहीं आती। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई अच्छा क्रिकेटर वो बेवकूफ़ नहीं है अपनी रेपुटेशन वहाँ जाके ख़राब करेगा और पैसा उसको मिल रहा है लेकिन वहाँ बोलेगा जी मुझे ठीक है डगआउट में बिठाई रखो। लाइक विलियमसन की मैं अगर बात करूँ, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनको बिठाई रखते हैं, कम मैचेस जो है मिलते हैं,
अभी सेंटनर ने भी इसी किस्म की कुछ बात की है, तो ये लोग बेवकूफ नहीं है। बहुत से और इंटरनेशनल टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो बैठे रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जाते हैं, तो सिर्फ खेलने का नहीं होता, उनको और भी बहुत चीज़ें शायद उनको मिलती होंगी तो जिसकी वजह से वो जाते हैं। ये बड़ा हॉन्ट कर रहा है, हमारा एक चेयरमैन होगा कम से कम 3-4 PSL तक, हम दूसरे बोर्ड से बात करेंगे कि अपनी बायलेटरल सीरीज इन दिनों में प्लीज ना रखें, हमारी 20 दिन की 25 दिन की एक विंडो है उसमें ना रखें, हम आपको अपने क्रिकेटर्स देंगे, बांग्लादेश को हम अपने क्रिकेटर्स देंगे, आयरलैंड को अपने क्रिकेटर्स देंगे, श्रीलंका को अपने क्रिकेटर्स देंगे, अफगानिस्तान को अपने क्रिकेटर्स देंगे, बशर्ते कि आप हमारी विंडो सेफ रखें। बोर्ड और PSL का अगर अलग से एक कमिश्नर अच्छा सॉलिड बना दें जो अगर फॉर्मर क्रिकेटर जिसकी आवाज सुनी जा सके, इसलिए कि अगले साल तो और भी मुश्किल आने वाली है, अगले साल 10 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी है, 3 लीग्स एक साथ हो रही होंगी और चैंपियंस ट्रॉफी। तो ग्रेम स्मिथ ने अभी कहा कि ऐसे 20 तो हम अपने टाइम पे ही कराएंगे, ICC की डेट्स पत्थर पे लकीर नहीं है, इसका मतलब है वो शोर मचाएंगे वो अपनी। तो पाकिस्तान को भी एक लॉबी बनानी पड़ेगी, 20 से 25 दिन की विंडो बनानी पड़ेगी। और अब अगर उनकी क्रिकेट में जब वो समझ गए हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की क्या डिमांड है और वहां पे जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनको भी पता है कि अगर हमने सर्वाइव करना है जो फॉरनर्स आ रहे हैं तो हमें इस तरीके से बड़ा खेलना होगा। आपके यहाँ तो जो फॉरनर आते हैं वो कहते हैं यार ये तो है ही 130-140-150 वाली लीग, चलो इसमें डंक टपाव वाला मामला होता है ठीक है, और उसके बाद झूठ बोलते हैं कि जी बॉलिंग स्टैंडर्ड वहां पे जो रन बन रहे हैं वो क्या किन के खिलाफ बन रहे हैं। मैं गलत नहीं हूं, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी इसी जोड़ी ने सिर्फ 6 ओवर में 125 रन बना लिए थे, 36 गेंदों पर 125 रन बना लिए थे। IPL की क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया है। हम पाकिस्तान में यहां बातें करते हैं कि जी उन्होंने विकटें ऐसे बना दी, तो भाई आपको किसने रोका था? पूरी PSL में मैं चीख रहा था, आपके क्रिकेट एक्सपर्ट चीख रहे थे कि भाई 200 प्लस वाले मैचेस करवाएं, लेकिन आपने तो ऐसा काम ही नहीं किया। ओ भाई IPL इंडियन प्रीमियर लीग के तुम लोग को पैसे पता है कि अबे वो जितना मिचेल स्टार्क को पैसे देते हैं खेलने के लिए उतने में हमारे 4 सीजन हो जाएं। लिटरली मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के 4 सीजन, PSL सुपर लीग के 4 सीजन हो जाएं, हम उतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और वो उतना पैसा मिचेल स्टार्क को दे रहे हैं। हमें IPL में जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान में लेकर आना है। अबे जो हमारे यहाँ प्लेयर्स खेलते हैं ना, मैं तुमको बताऊं, हमारे एलेक्सेल्स खेल रहा था IPL में, कहाँ है एलेक्सेल्स? नहीं है ना, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हमने कैरन पोलार्ड को अपना एक प्लैटिनम प्लेयर बनाया हुआ था, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हमने उसको बनाया हुआ था। अब तुम लोग बताओ कि ये बेचारे के साथ हुआ क्या कि मुंबई इंडियंस में वो कोच है और हम उसको ऐसा प्लेयर लेकर हम खुशियां मना रहे हैं कि जी हमने बड़े काम कर दिए, हमने कैरन पोलार्ड को लिया, कैरन पोलार्ड को है, पोलार्ड तो भाई वो एक्सपायर है, उसने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत लंबे अरसे पहले ही खेल ली है। वो बंदा कहता है कि भाई अब मेरे को खेलना वेलना नहीं, अब तो मैं पाकिस्तान में बच्चों को खुश करने के लिए जाता हूँ कि चलो कहेंगे कि ओवरसीज प्लेयर आए।